जो बिहार की सत्ता का सुख भोग रहा है, अरे वही कर्महीन मंत्री मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट लेकर, जिसका सर्टिफिकेट नहीं था, बिहार में एक दौर ऐसी थी कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सर्टिफिकेट बना के देता था लोगों को, और लोगों की नौकरी लग जाती थी उस सर्टिफिकेट पर, उन पंचायत के लोगों को पैसा दिया जाता था। अरे किसी जाकर टीचर से तो पूछिए कि एलिफेंट के स्पेलिंग नहीं जानेंगे, एरोप्लेन के स्पेलिंग नहीं जानेंगे। अरे हमसे क्या, पूरा यूट्यूब पे सर्च तो कीजिए कभी कि उस पंचायत के जिसको सर्टिफिकेट देकर बहाल किए हैं उनकी क्या स्थिति और परिस्थिति है। स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री की बात है क्या? कितने अस्वस्थ शिक्षा मंत्री की बात है? अरे ऐसा कर्महीन मंत्री तो पूरे बिहार में अभी कोई नहीं है। जो बिहार की सत्ता का सुख भोग रहा है, अरे वही कर्महीन मंत्री मुख्यमंत्री जो सर्टिफिकेट लेकर, जिसका सर्टिफिकेट नहीं था, बिहार में एक दौर ऐसी थी कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सर्टिफिकेट बना के देता था लोगों को, और लोगों की नौकरी लग जाती थी उस सर्टिफिकेट पर, उन पंचायत के लोगों को पैसा दिया जाता था, और वो पैसा आता था यहाँ पर भी, बिहार से पटना आता था, उन लोगों की नौकरी लगती थी। अरे किसी जाकर टीचर से तो पूछिए कि एलिफेंट के स्पेलिंग नहीं जानेंगे, एरोप्लेन के स्पेलिंग नहीं जानेंगे। अरे हमसे क्या, पूरा यूट्यूब पे सर्च तो कीजिए कभी कि उस पंचायत के जिसको सर्टिफिकेट देकर बहाल किए हैं उनकी क्या स्थिति और परिस्थिति है। हम तो कहते हैं कि रोजगार नहीं देना है तो एक बार पूरे शिक्षक व्यवस्था को आपको रद्द कर देना चाहिए, जितना को नियुक्ति हुई है फिर से एक बार उनका एग्जामिनेशन होना चाहिए। हमारे बिहार में अभी स्किल्ड लोग रोड पे हैं, और जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो लोग पूरा घूम रहे हैं, और लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग स्कूल में पैसा देकर घूस देकर पढ़ा रहे हैं। आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि पलटू मार चाचा जो है एक बार इधर पलटते हैं और एक बार इधर पलटते हैं, तो इधर पलटेंगे तो जितना नौजवान है सारा लेकर के जिंदगी बर्बाद करते हुए मन दबाते हुए निकलते हैं, अपने जाकर चेयर पकड़ लेते हैं, फिर वहां जाकर हंसते रहते हैं, देखे ना बन गए ना मुख्यमंत्री, फिर वहां से जाते हैं तो फिर मरते हैं पलटी या पट्टी, ए पट्टी मरते हैं तो फिर से दबा जाता है लेकिन, कहता देखे ना बन गए ना मुख्यमंत्री, वो उनका रोजगार से मतलब रहता, उनका डेवलपमेंट से मतलब रहता। अरे आपके पास कोई प्रवक्ता है तो बात करें मुझसे रोजगार पे, कि बिहार के जनगणना के अनुसार 2011 में 6,610 रुपया उसका प्रति व्यक्ति आया था, क्या आपने 2022 में कितना बढ़ाया? हमारे बिहार के अंदर एक ऐसा, हमारा पूरा प्लेनेट पर बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर सारे लोग पुत्रवाद और परिवारवाद की राजनीति करते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर अपनी राजनीति के चक्कर में 11 करोड़ और 4 लाख जनसंख्या की जो एक मूलभूत इकाई होती है उनकी एक जीवन की अपना आधारभूत संरचना होता है, उसको भी लोग पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पटना जैसा जगह पर मैं चैलेंज करता हूं कि 10,000 का नौकरी नहीं मिलेगा किसी को। तब उन शिक्षा की बात कर रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मंत्री की बात करते हैं, कहाँ बात किए हैं? कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाएंगे। कौन बोला है? शिक्षा मंत्री बोले हैं। अरे प्रोफेसर है, बैठ के बात करेंगे हमारे से, एमएड क्वालिफाइड हम भी हैं, सेम एजुकेशन है मेरा, बात करेंगे, हमसे बात करेंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसको कहते हैं, एनसीएफ 2005 क्या है, बात करेंगे हमसे क्या उन्होंने मंत्री पद, जब उन्होंने जब मंत्री का शपथ लिया था तो क्या बिहार के अंदर 45,000 से ऊपर जो स्कूल है उस स्कूल की कंडीशन को देखा था उन्होंने? नहीं ना देखा था। उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अभी कहते हैं कि जाइए ना मांग लीजिए 16 करोड़ वहां से। अरे तो चूड़ी पहन के कहा लेके बैठा ले, शर्म मरिए आप, हट जाए चूड़ी, छोड़ दीजिए अपना, खोल कहीं से निकाल के पायल अथी कर दीजिए, 16 करोड़ वहां से मांगे हम। अरे आपके पास अगर है ताकत तो चेयर छोड़िए और दीजिए मेरे पास चेयर, हम दिखा देते हैं औकात बिहार के एजुकेशन डेवलपमेंट कैसे सुधार देते हैं। हम चैलेंज ठोकते हैं, स्किल्ड इंसान है, चैलेंज ठोकते हैं कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर देंगे, आप मुझे दी तो दीजिए चेयर। आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग में युवाओं को रोजगार दिया जाए। ए भैया रोजगार अपना बाल बच्चा के दिया है वो सब, अरे उसका अपना बच्चा का रोजगार है, तेजस्वी का रोजगार है, बैठ के ग्रुप डी का एग्जाम निकाल लेगा, ग्रुप डी का एग्जाम निकाल लेगा। अरे उप मुख्यमंत्री किस लेवल पे है पता चला आपको? किस लेवल पर उप मुख्यमंत्री है? 9th क्लास पास आउट नहीं है,
फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला पहुंच जाएगा तो भी नहीं आएगा उसको, उसको नहीं आएगा। तुम क्या बिहार के सुधारोगे जो तुम्हारे पास खुद बुद्धि नहीं है? साला क्रिकेट खेले गए तो वहां से नाकाम होकर चलाए, वहां से तुम नाकाम होकर चलाए। अरे बात करो स्किल्ड, बात तो करो एजुकेशन पे, बात तो करो जॉब पे, और बात तो करो यहाँ का आधारभूत संरचना पे कि तुमने क्या किया। आज भी बिहार के अंदर एजुकेशन और एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ हेल्थ मिनिस्ट्री जो है सबसे करप्ट है। आज किसी आदमी को अगर बिहार में पटना छोड़कर किसी को बीमारी हो जाएगा तो वहां पे एक्सपायर कर जाएगा वो, किसी को हल्का चोट लग जाएगा, एक्सीडेंट होगा तो एक्सपायर कर जाएगा, क्योंकि वहां के हॉस्पिटल में कोई ऐसा सामान नहीं है, कोई ऐसा संसाधन नहीं है जिसके माध्यम से अपनी इलाज करा पाए, पटना आते आते दम तोड़ देगा। लगातार निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर तेजस्वी यादव, क्या किए हैं वो? अरे हमारा इतने बताइए ना, 11 करोड़ 4 लाख जनसंख्या है ना बिहार में, आप जनगणना करा लीजिए लगभग निकल जाएगा। 11 करोड़ 4 लाख है, और 11 करोड़ 4 लाख में हम 5 हॉस्पिटल के नाम बोलते हैं, एगो PMCH, एगो NMCH, एगो कोई नालंदा में है, एगो मुजफ्फरपुर में है, और शायद कोई गया में है, ये एम्स है। 5 हॉस्पिटल 11 करोड़ जनसंख्या पर है। कौन बात का स्वास्थ्य का बात करते हैं वो, कौन तरह का स्वास्थ्य का बात करते हैं? अरे साला किसी को किडनी की बीमारी हो जाए उसको मौत है, किसी को हार्ट की बीमारी हो जाए मौत है गरीब के आदमी के, किस बात का स्वास्थ्य का बात करते हैं? अरे अगर उनका बुद्धिया रहता, हेल्थ मिनिस्ट्री पर भरोसे रहता तो लालू यादव के सिंगापुर में नहीं बल्कि PMCH में इलाज करा देते। अरे उनका हाथ में तो हेल्थ है, पूरा हेल्थ मिनिस्ट्री है, बाबूजी के कहा लगी भेजे हैं सिंगापुर। एक बार नीतीश कुमार के आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, मोतिया बीम का ऑपरेशन करावे गए थे, जानते कहा दिल्ली, जानते कहा कि बिहार के डॉक्टर ऑपरेशन करेगा ना तो आरक्षण वाला है, आधर कर देगा, तो फिर बिहार का विकास मॉडल देखिए नहीं पाएंगे। बिहार पे भी नीतीश कुमार होते हैं। अरे भैया कोनो है, कोनो प्रचंड कोनो प्रवक्ता है RJD के, चाहे कोनो प्रचंड प्रवक्ता JDU के है, बैठाइए ना एक दिन सामने, अरे बैठाइए ना, 243 को विधायक के वोट की गिनती एक दिन में हो जाता है, 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान लिखा जाता है, लेकिन सर्वा छठवां चरण खत्म नहीं होता, छठवां चरण खत्म नहीं होता। अरे वहां पे अभी बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही है, और एगो जो जिलेबी बाबा थे वो कहते हम तो कहते ही थे जैसे ही छठवां चरण खत्म होगी अति शीघ्र ही शीघ्र सातवां चरण की शुरुआत करेंगे। क्या दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव जो एक प्रतिष्ठित पद पर है, दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव सर जो है प्रतिष्ठित पद पर है, क्या उनका कलम क्यों झोंका दे दिया? क्या उनके कलम पर भरोसा नहीं था? देखिए सारा चीज आपको लेटर वहां मिल जाएगा, कभी JDU लिखता है, कभी BJP लिखता है, तो कभी राजद लिखता है। अरे कोनो रोजगार का तो डिफिनेशन दे हमको कि रोजगार किसे कहते हैं, रोजगार का डिफिनेशन वही बढ़िया दे सकता है, रोजगार का डिफिनेशन वही बढ़िया दे सकता है जिसके पेट में अन्न नहीं हो, जिसके पेट में अन्न नहीं हो वही इंसान रोजगार का डिफिनेशन दे सकता है। जो इंसान 3 दिन से खाना नहीं खाया है, जो इंसान 3 दिन से रोड पर सोया हुआ है, उस आदमी से जाकर पूछिएगा कि भूख किसे कहते हैं और रोजगार किसे कहते हैं, तो वो जो डिफिनेशन देगा वो बिहार के अंदर रहने वाले कोई नेता मंत्री नहीं दे सकते।